विद्यार्थियों, कल हमने रामायण निबंध पर चर्चा प्रारंभ की थी और निबंधकार का परिचय आप सभी को समझाया था और निबंध की भूमिका के बारे में आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम निबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं उसको आपको समझाएंगे। प्रस्तुत निबंध रामायण हमारे साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ पर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जो रचनाकार कवि जिन रचनाओं को करता है, लिखता है, वह अपने समय की सच्चाइयों को, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, साहित्यिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उस पूरी रचना को बुनता है, गढ़ता है। हमारे साहित्य के दो प्रमुख ग्रंथ हैं जिसकी चर्चा हमने कल की थी, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। रामायण और महाभारत दोनों अपने समय के यथार्थ ग्रंथ हैं। महाभारत में तत्कालीन समाज राजनीति का रूप दिखलाई पड़ता है, वहीं रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने राम के माध्यम से उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों का अंकन करते हुए राम के चरित्र के माध्यम से अपनी बात कही है। लेखक ने यह कहा है कि इस प्रकार के ग्रंथ हमारे भारतीय साहित्य में लिखे गए हैं, किंतु ये ग्रंथ इन्हीं के समानांतर ग्रंथ अन्य विदेशों में भी लिखे गए हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि ग्रीस में कवि होमर द्वारा रचित इलियड ग्रंथ भी इसी प्रकार का है, जिसमें अपने देश, काल और भाषागत विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं। और यह माना जाता है कि भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग और समसामयिकता उस ग्रंथ में दिखलाई पड़ती है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन आर्य सभ्यता की एक धारा यूरोप देश को गई और दूसरी भारत को आई, तो भारत में दो दो महाकाव्यों की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने कहा कि रामायण हमारे साहित्य इतिहास को अपने में समेटे हुए वह बड़ा ग्रंथ है, जिसमें भारतवर्ष की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय चेतना का रूप दिखलाई पड़ता है। लेखक ने कहा है कि यूं तो सभी रचनाकारों के द्वारा अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में, अपने काव्यों में किसी न किसी उद्देश्य को व्यक्त करना रचनाकार का उद्देश्य होता है। रामायण में
महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य के माध्यम से जो कुछ कहा है, उन्होंने राम को अवतार नहीं माना। उन्होंने अपनी इस रामायण में राम को मनुष्य रूप में माना है, नर रूप में माना है, और उन्होंने कहा है नर रूप में यदि हम देखें तो रामायण के गौरव के बारे में यह कहा जा सकता है कि राम का चरित्र इसलिए महान और बड़ा है कि उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की भांति अपने जीवन में ऐसे सद्गुणों से युक्त एक चरित्र निर्मित किया है जो हमेशा भारतीय साहित्य और इतिहास में स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा है कि मनुष्य में राम ही ऐसे हैं जो सब गुणों से युक्त हैं। मनुष्य को यदि अपने जीवन में आदर्शों को निर्मित करना है, आदर्शों का निर्माण करना है, तो उन्हें राम के चरित्र का अध्ययन करना होगा। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि रामायण की महती विशेषता यह है कि उसमें एक घर परिवार राजवंश की ही कथा नहीं है, अपितु वे राम जन्म लेकर अपनी युवा अवस्था में, अपने विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार वे विद्याओं का अध्ययन करते हैं और आश्रम में रहकर उसी समय से ही वे ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए, उनकी शिक्षा ग्रहण करते हुए वन में, जंगलों में राक्षसों का संहार करते हैं। राम आदर्श स्वरूप हैं, भाई के रूप में आदर्श हैं, पुत्र के रूप में आदर्श हैं, पत्नी के रूप में आदर्श हैं, और मित्रता के संबंध का निर्वाह तो उन्होंने जिस तरह से किया है और अपने जीवन में जिन संघर्षों को झेला है और संघर्षों को पार करते करते उन्हें जो अपना उद्देश्य पूरा करना था, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए वे एक सामान्य मनुष्य के रूप में अपने जीवन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। रामायण का यह तथ्य या यह बात महत्वपूर्ण है कि राजा का प्रजा के साथ समन्वय, पिता पुत्र के बीच समन्वय, परिवार के बीच समन्वय, राजनीति के बीच समन्वय, और किस प्रकार अपने जीवन में व्यक्ति को मर्यादा रखते हुए आगे बढ़ना है, यह संदेश राम ने अपने गुणों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। लेखक ने कहा है कि रामायण इसीलिए पूरे देश का महाकाव्य बन जाता है कि राम अपने जीवन में जितना परिवार समाज गृहस्थ को स्थान देते हैं, उससे ऊपर कहीं समाज के, मनुष्य के, व्यक्ति के, प्रजा के हित की बात को ध्यान में रखते हैं। तो ये सारे गुण हमारे भारतीय समाज में राम के रूप में दिखलाई पड़ने वाले महाकाव्य रामायण में ही दृष्टिगोचर होता है। इसलिए रामायण का स्थान हमारे जीवन में
बहुत पवित्र और पावन है। हम सब लोग घर घर में उसका पाठ, समय समय पर उसका पाठ, सार्वजनिक रूप में राम कथा का वाचन श्रवण किया करते हैं, क्योंकि वह हमारे मनुष्य जीवन के अधिक निकट बैठती है। इसलिए अपने इस संक्षिप्त से निबंध में आचार्य जी कहना चाहते हैं कि रामायण एक इस प्रकार का ग्रंथ है जिसमें राम के माध्यम से मनुष्य जीवन की कथा कही गई है, और मनुष्य जीवन की कथा के मूल में राम हैं। अतः रामायण को पढ़कर श्रवण कर हमें उस आदर्श को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।